बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल प्रैक्टिस में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का कंसेप्ट बहुत अहम है। एक सिविल सूट में जब मुद्दा लय सम्मन की तामील करने से ग्रेस कर रहा हो और मुद्दा लय सम्मन की तामील करने से एतराज कर रहा हो कि इस तरह से वो मुकदमे को तवील कर ले, ताहीर कर ले और अदालत के नोटिस में ये बात आ जाए, तो अदालत सब्स्टिट्यूटेड सर्विस अंडर ऑर्डर 5 rule20CPC1908 ऑर्डर कर सकती है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का ऑर्डर करने के लिए बगैर किसी सबूत के मुद्दा ने दानिश्ता या गैर दानिश्ता तौर पर तामील की सम्मन करने से ग्रेज कर रहा है, अदालत के पास इख्तियार है कि वो जारी कर सकती है और order 5 rule 20 इस बात को वाजे कर रहा है। कहता है कि जब अदालत मुतमईन हो कि मुद्दा लय सम्मन की तामील करने से ग्रेज कर रहा है या कोई ऐसा वजह है जिसकी वजह से आम तरीक़ाकार जो है सम्मन का, उसके ज़रिए मुद्दा लय की तामील करवाना मुमकिन नहीं है, तो अदालत के पास इख्तियार है कि वो सब्स्टिट्यूटिव सर्विस का तरीका इख्तियार करे। वो तरीका ये है, number 1 पे कि मुद्दा लय के मकान के किसी नमाया हिस्से पर सम्मन की नकल चस्पा करके जिसकी बाबत मालूम हो कि वो मकान मुद्दा लय पहले उधर रहायश पजीर रहा है या वहाँ कारोबार करता रहा है या नफा के लिए कोई पर्सनल बिजनेस था उस जगह के ऊपर उसका। दूसरा तरीका ये है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन, वो टेलीविजन और टेलीग्राम है, टेलेक्स है, फैक्स है, SMS है, रेडियो है, टेलीविजन है, किसी भी तरीके से उसको सम्मन करवाया जा सकता है। तीसरा तरीका अर्जेंट मेल सर्विस या पब्लिक कुरियर सर्विसेज के जरिए में सम्मन करवाया जा सकता है और इसके अलावा उस एरिया के अंदर जहां पे मुद्दा लय रह रहा है उस इलाके में जो मकामी प्रेस है वहां पर इश्तहार दिया जा सकता है या कोई और तरीकाकार जो भी अदालत मुनासिब समझे वो इख्तियार कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि अदालत जो तरीकाकार order 5 rule 20 में दिए गए हैं इन तमाम तरीके को बयाक वक्त या उनमें से किसी एक को इस्तेमाल में लाने का हुक्म दे सकती है। एक ही वक्त में ये भी कह सकती है कि आप कोरियर करवाते, आप टेलीफोन भी करते, अखबार इश्तहार भी करते, अदालत के पास इख्तियार है। अब जब सब्स्टिट्यूट सम्मन किया गया है, सर्विस की गई है, तो इस तरीके पर जो एक
सब्स्टिट्यूट तरीके के तौर पे सम्मिलन करवाया गया है, तामील करवाई गई है। इस तरीके से उसका इफेक्ट होगा, गोया सम्मन की तामील मुद्दा अलह ने असालतन की है। अदालत प्रज्यूम करती है कि मुद्दा अलह ने गोया सम्मन मसूल कर लिया है, उसकी रहाइश का के उसके बिजनेस प्लेस पे चस्पांदगी लगा दी गई है, अखबार में इश्तिहार दे दिया गया है, टेलीविजन पे अनाउंस करवा दिया गया है, ढोल धमाके के जरिए लोगों को इन्फॉर्म किया गया है। जब सब्स्टिट्यूटी सर्विस के जरिए तामील हो जाए तो मुद्दा अलह की हाजिरी के लिए अदालत इस कदर मियाद मुकर्रर करेगी जो मुनासिब हो, लेकिन वो 15 यौम से ज्यादा नहीं होगी। जब सम्मन की तामील सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज के जरिए हो गई है तो इस सूरत में मुनासिब टाइम फ्रेम दिया जा सकता है हाजिरी के लिए, जो आम तौर पर 15 यौम से ज्यादा नहीं होगी। और जब सम्मन किसी अदालत की तरफ से जारी हुआ हो तो मुद्दा अलह किसी दीगर अदालत के इख्तियार समात में रहायश पजीर हो तो उस हवाले से रूल 21 जो है वो एक तरीका कार देता है। वो कहता है कि जब सम्मन किसी अदालत की तरफ से जारी हो तो जायज है कि अदालत जारी किए गए उस समन को बजरिया डाक या अपने किसी अहलकार के हाथ किसी अदालत में मां सवाए हाई कोर्ट के जिसके इलाके में मुद्दा अलह रहायश पजीर है भिजवा दे, उस अदालत को भिजवा दे। ख्वा ये अदालत उसी सूबे में हो जहां समन बेचने वाली अदालत मौजूद है या किसी दूसरे सूबे में भी। ये order 5 rule 21 में इसका यह तरीका कार दिया गया है। अब सब्स्टिट्यूटी सर्विस जो है order 5 rule 20 उस वक्त होगी जब मुद्दा अलह जानबूझकर रुपोश हो रहा हो, फेस ना कर रहा हो सिविल ट्रायल को, और मुद्दा अलह की तामील मामूली जो तरीक़ाकार हैं, जो आम तरीक़ाकार हैं अदालती सम्मन का नोटिस का, उससे तामील मुमकिन ही नहीं है, देन फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करवाई जाएगी। ये बात इंटरप्रेट होती है एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे NLR 1997 सिविल डाइजेस्ट पेज 57 में। और जब आप अखबार इश्तिहार करवाते हैं तो अखबार इश्तिहार की कॉपी डॉक के जरिए या कुरियर सर्विस के जरिए मुद्दा अलह का जो एड्रेस है, जो उसकी रहायश है, यहाँ उसकी बिजनेस प्लेस है, वहां पे भिजवा देनी चाहिए ताकि मजीद कोई अमर माने ना रहे, कोई मजीद बहाना सामने ना रहे। क्योंकि जब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस हो गई देन कानून इसको प्रज्यूम कर लेता है गोया मुद्दा अलह ने असालतन तामील कर ली है। और ये बात इंटरप्रेट की गई 2007 CLC पेश है 1123 में। अब बात दरअसल ये है कि order 5 rule 20 के तहत जब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस नागजीर हो जाए तो अदालत खुद भी ऑर्डर कर सकती है और मदई मुकदमा जो है वो खुद भी एप्लीकेशन अंडर order 5 rule 20 दे सकता है कि मुद्दा अलह जो है इस पते पे रहायश पजीर है, और वो जानबूझकर मुकदमे को तवालत देने के लिए ताखीर कर रहा है
और जानबूझकर वो संबंध की तामील नहीं कर रहा। तो इस हवाले से सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो मूड है उसको अडॉप्ट किया जाए, दोनों तरीके से हो सकती है। और अगर मुद्दा अलह का एड्रेस गलत दिया गया है तो तामील ख्वा वो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के जरिए है वो नाजायज होगी। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करवाई गई है, चस्पांदगी नोटिस या उसे आखिरी पता जहां पे वो है वहां पे डिस्पैच नहीं किया गया, चस्पांदा नहीं किया गया, अदालत सेटिस्फाई नहीं है उस हवाले से, तो ये जो तरीक़ेकार है वो ठीक नहीं है। क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है वो एक सेटल्ड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि ये असालतन तामील है, जाती तामील उसने कर दी है, उसको पता चल गया है कि मेरे खिलाफ ये सिविल सूट फाइल किया गया है और मैंने फलां तारीख को जो अदालत ने मुकर्रर की है 15 दिन की उसमें मैंने पेश होना है। ये बात इंटरप्रेट हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो रिपोर्ट हुई थी PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 18 में। और अगर तामील सफाई सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है वो कानूनी दायरे के अंदर नहीं की गई, जो मूड ऑर्डर 5 रूल 20 में दिए ही नहीं गए, उसके बाहर कोई ऐसा तरीक़ाकार जो अदालत महसूस करती है कि ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए जबकि कानून उस चीज़ को कतई सूरत अलाउ नहीं करता। अब सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज के मूड बता दिए हैं ऑर्डर 5 रूल 20 में, उन मूड्स के अलावा कोई नाजायज़ मूड इख्तियार करना, उसको पकड़ के उससे लाजमी तौर पर करवा लाओ, या जनाब कोई ऐसा मूड जो सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और वो कानूनी ना हो, उसके जो फंडामेंटल राइट्स को यूज़र्व कर रहा हो, कानूनी दायरेकार के अंदर नहीं है, तो देन ऐसी तामील जो है वो मनसूख किया जाना करीन इंसाफ है। ये बात इंटरप्रेट होती है 2005 CLC पेज 1276 में। और ये बात वाजे की गई है केस लॉ में कि जब भी सब्स्टिट्यूटेड मोड ऑफ सर्विस इशू किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 5 रूल 20 CPC 1908 के जो मूड्स दिए गए हैं उन्हीं के मुताबिक होगा और वो कोई मुनासिब तरीका होगा, उन मूड से हट के भी कोई जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा वो कानून के एम्बट में आता हो, गैर कानूनी कोई तरीक़ाकार ना हो। अगर ऐसा तरीक़ाकार जो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी तरीक़ाकार अपनाया गया है, देन ऐसी तामील जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। और ये बात इंटरप्रेट होती है 2005 CLC पेज है 1051 में। उसमें जब अदालत ये समझती है या पार्टी ये समझती है कि मुद्दा अलह जो है उसको समन करवाने का कोई और तरीके कार नहीं है सवाय मुतबादल तामील के, देन वो बजरी एप्लीकेशन भी तामील मुतबादल के लिए कह सकती है और अदालत अगर सेटिस्फाई हो तो अपने तौर पर भी वो कह सकती है। और ये बात सेटल्ड प्रिंसिपल जिसमें सेट किए गए और इसको इंटरप्रेट किया गया PLD 1989 लाहौर हाई कोर्ट पेज 213 में और 2000 CLC पेज 530, ये दोनों साइटेशंस में जो कानूनी और मुनासब मूड्स हैं जो अदालत अडॉप्ट करेगी, जो
तरीक़ार आर्डर 5 रूल 20 में दी गई उनके अलावा, लेकिन वो होना मुनासिब चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। अदरवाइज ऐसी आर्डर जो हैं वो मंसूख किए जाने ही करीम इंसाफ होंगे। तो दोस्तों ये एक अहम मामला है सिविल सूट में तामील मुतबादल का, मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।